नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना श्रवण, मैं डॉक्टर नेकीराम आर्य, हम दोनों मिलके अपनों के लिए एक खुशखबरी लेके आए हैं जी। अपन सब जानते हैं कि पिछले 2-3 साल ये कोरोना के कारण दीपावली का वो मजा नहीं आ रहा था। मजा नहीं भाई साहब, हर आदमी निराशा में जिया। 2 साल बड़ा संकट। दीपावली स्नेह मिलन के प्रोग्राम पहले अपन लोग करते थे, वो नहीं कर पाए। तो हम कुछ दिनों पहले बैठे, कुछ अपने मित्र बैठे, कुछ पुराने मित्र बैठे, कुछ नए मित्र बैठे, कुछ स्टाफ के लोग बैठे, कुछ ऐसे बेटे कहूँ, दोस्त कहूँ, स्टूडेंट कहूँ, इस तरह के अपने बैठे, तो सबके भाव आएगा क्यों ना कुछ किया जाए। और नेकी ने कहा कि ये फिर आप ही कर सकते हो, क्यों चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास को लाना हो, चाहे गीता बबीता को लाना हो, तो संतोष आनंद साहब को लाना हो, ये CLC का प्लेटफॉर्म करता आया है। वो मैंने इसलिए कहा कि जो CLC का प्लेटफॉर्म है वो डिजर्व भी करता है और शहर उसको स्वीकार भी करता है कि यहाँ कोई बड़ा आयोजन हो। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस शहर में खाली थैला लेकर आया आदमी हूँ, जो मुझे कुछ दिया शहर ने दिया, तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ यदि हम शहर को कुछ वापस दे पाए तो ये हमारा सौभाग्य रहता है। तो चलो इसी श्रृंखला में हम करने जा रहे हैं 22 अक्टूबर शाम 6 बजे, टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, 22 अक्टूबर शाम 6 बजे एक बहुत ही युवा कलाकार जिसको मैंने एक बार दिनेश गिरी जी के गांव में सुना प्रोग्राम में, सवाई भाट को वहां सुना, तो उस दिन सोच लिया कभी ना कभी इस बच्चे को अपन, बच्चा सब यूज करूंगा, यंग लड़का है वो, इसको CLC बुलाएंगे, CLC बुलाएंगे। फिर मैं आपके संपर्क में आया, आपके लिंक सबसे रहते ही हैं, नेकी आप जानते हो सीकर की कल्चर को जिंदा रखने वाले मूल नीम के पत्थर हैं जी, और ये मेरा सौभाग्य कि ये मेरे अपने हैं। तो सवाई भाट के बारे में मैं चाहूँगा कि नहीं कि आप बताएं उस बच्चे के बारे में। सवाई भाट का नाम हमने केवल और केवल हमारे जहन में CLC के इस प्रांगण के लिए इसलिए आया, सवाई भाट को जब गाते हुए सुनते हैं, इंडियन आइडल का जो फंक्शन चलता था उसमें हर कोई व्यक्ति उसके दर्द को समझता था, वो बड़ा जमीन से यहाँ से गाता है, वो यहाँ से गाता है, वो जमीन से जुड़ा हुआ कलाकार है, और जो गाता है किसी भाव को तो ऐसे लगता है कि वाह यार ये क्या गा रहा है। इसलिए हमने सर सीकर कभी आज तक नहीं आए, वो पहली बार सीकर आ तो रहा। सीकर के मेरे अपनों को अब मैं एक अपील कर रहा हूं मेरे सारे अपनों से, अब आपको मेरे अपने कौन ये आपको डिसाइड करना, जो मुझे अपना मानता है उन सबसे निवेदन, जो CLC को स्वीकार करता है। भाई मेरे 4 नाम हैं जी, महार्लो श्रवण, महार्ली CLC, महार्लो बोस या महार्लो श्रवण जी, जी माफी चाहता हूँ मेरे नाम की जी नहीं लगा रहा मैं, मतलब कुछ लोग जो मेरे छोटे हैं, वे 4 रिश्ते हैं मेरे, महार्लो श्रवण, महार्ली CLC, महार्लो बोस या तमाशा के लिए महार्लो श्रवण जी, इन 4 रिश्तों में जो बंधा हुआ है वो मेरा अपना है, वो सारे सहपरिवार जी। अक्सर क्या होता है कई बार आपको बुलाता हूँ तो आप लोग सोचते हैं साहब बच्चों का प्रोग्राम होगा, ज़्यादा क्राउड होता हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ये मेरी बहनें भी कहती हैं कई बार की बात है, कोचिंग आवाज तो टापराम लगा रहा तो नहीं, लोग ऐसा भी सोचते हैं। हाँ, बीच में बोलूंगा हाँ, कि इसका मकसद क्या होगा। हाँ, मकसद तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस कार्यक्रम का केवल और केवल उद्देश्य है शहरवासियों को एक संगीतमय सुंदर सांस्कृतिक कोरोना के बाद जो 2-3 साल का एक थोड़ा बेकार सा टाइम चला उसका मस्ती का मूड है, वो मस्ती का मूड है। तो 6 बजे प्रोग्राम शुरू करना, ये ध्यान रखना पड़ेगा 6 बजे प्रोग्राम शुरू करें, 9 बजे इसको माइंड अप करें, क्योंकि दीपावली की जो सफाई वगैरह आप कर रही है, महिलाएं भी बहने भी जो बच्चे हैं बड़े हैं वो शाम को 5 बजे उस दिन तैयार होकर के अच्छे कपड़े पहन करके अच्छे कपड़े पहन पता है शानदार 6 से लेकर 9 प्रोग्राम रहेगा और उसके बाद सबका भोजन रहेगा जी। वो जो कहें त्यौहार पे सब अपने बैठ के खाना खाते वो एक भोजन रहेगा, तो सभी लोग परिवार सहित आए, 3 घंटे मस्ती करें, डांस वाले साथ डांस करेंगे, और उसमें कोई कलाकार क्षेत्रीय कलाकारों को मौका दिया जाएगा जी, जैसे किसी को म्यूजिक सुन के इसे उठ जाती है ना, वो सब रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम के मंच का जिम्मा नेकी के पास रहेगा, नेकी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, नेकी है हमारा अभिषेक समसु है और हमारे सीकर के पुराने खिलाड़ी हितेश श्रीवास्तव और ये सब बच्चे रहेंगे हमारे दोस्त भवानी सिंह जी कभी रहेंगे, वो सब रहेंगे। एक इंडियन आइडल के और रनर अप रहे हमारे सीकर के, मैं भूल गया था नाम लेना, साजिद खान भी हमारे बीच क्या बात साजिद भाई रहेगा, साजिद और इस वीडियो के माध्यम से अली सर को भी आशीर्वाद देंगे, अली सर लड़का जो आकाशदीप स्कूल का लड़का है जो सीकर बोल रहे हैं यार मुझे अच्छा लगता है, सीकर नहीं वो बोलते अली साहब, अली साहब उसको अली साहब के नाम से पुकारा गया, अली साहब भी हमारे इस पावन मंच पे होंगे जो अभी 2-3-4 दिन से सोशल मीडिया पे हीरो के रूप में छाए हुए हैं, अली साहब को भी उस मंच के माध्यम, अली साहब तो नहीं आ पाएंगे अभी बॉम्बे है मेरी बात हुई झारखंड से, पर अली साहब को बहुत छोटा बेटा है उसको हम सबका लाड प्यार उसके साथ है कि वो जीत के आए और हम उसका एक बड़ा जुलूस निकाले सीकर में, ये भी सपना है, हम तो ये सपना ऐसे पालते हैं भाई, इन सपनों को पालते पालते सीकर शिक्षा नगरी बन गया जी। मूल में जब आपने शुरू में शिक्षा नगरी का सपना पाला था
उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, मजाक के पात्र थे, मजाक के दयाराम जी गुरु जी कहते हैं छोरा के फिड़को लाओ शुरू में मारे समझ में को नहीं आतो, अब ला गए तू ठीक काम करे, वो उन लोगों का आशीर्वाद है, बड़े लोगों का। तो प्रोग्राम की अंतिम जो आपसे अपील है, प्लीज एक अच्छा प्रोग्राम है, अपनों का प्रोग्राम है, 3 घंटे सारी चीजों को सारे तनाव को भूल भाल के मस्ती करेंगे। 22 अक्टूबर शाम 6 बजे CLC विजय ग्राउंड, 6 से 9 फंक्शन स्वाई भाट के साथ, कुछ और हमारे और नेकी के साथ है, तो आप जानते हो नेकी अपने आप में एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो अपने वो दूर के ढोल सुहावने वो घर का बच्चा है, लेकिन नेकी आप खुद जानते हैं बहुत SK कॉलेज का स्टेज का एक उमदा कलाकार रहा हुआ है, आज भी है नेकी के अंदर, आज भी एक छोटा सा बच्चा जिंदा है। बच्चन साहब से पूछा किसी ने कि साहब जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत क्या है, कि आपका बचपन हमेशा जिंदा रहना चाहिए, जो आपके भी वो कला के बल पे जिंदा रखा जा सकता है उसको, कला एक ऐसा हथियार है, अगर कोई व्यक्ति कला को मन से जिए तो हमेशा खुश रह सकता है, बच्चा बना रह सकता है। उसी के साथ बात को समाप्त करें, हम सब आपके इंतजार में, पूरी टीम CLC आपका अपना श्रवण, 22 अक्टूबर शाम 6 बजे CLC विजय ग्राउंड, 10 बजे हम आप सबको फ्री कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों को भी घर भी निकलना, क्योंकि 23 को छोटी दीपावली है अपने यहाँ, जो इसको तो मूल दीपावली है, तो सबको दीपावली की शुभकामनाएं, राम राम, मिलते हैं 22 अक्टूबर शाम 6 बजे, नमस्कार, जय CLC।